असलम डियर स्टूडेंट्स वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे आज हम एम जी टी टू वन वन का लेक्चर नंबर सेवन देखेंगे तो आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज़ मीटिंग मीटिंग क्या होती है गैदरिंग ऑफ टू मोर पर्सन बाय बाय प्रीवियस नोटिस आर म्यूचुअल अरेंजमेंट द डिस्कशन एंड ट्रांजेक्शन ऑफ द सम बिजनेस इज कॉल्ड मीटिंग तो मीटिंग कहते हैं दो या दो से ज़्यादा लोग जो भी बिजनेस के मुद्दा बैठ के कोई भी बात डिस्कशन करते हैं उसके प्लानिंग करते हैं तो उसको मीटिंग कहा जाता है तो नेक्स्ट तो आपके पास है काइंड ऑफ़ द कंपनीज मीटिंग तो पहली है शेयर होल्डर मीटिंग और दूसरी आपके पास है डायरेक्टर मीटिंग्स अब इनको हम बारी बारी डिटेल के साथ मज़ीद देख लेते हैं तो हम सबसे पहले देखते हैं शेयर होल्डर मीटिंग क्या होती है द मीटिंग विच इज़ कॉल्ड टू डिस्कस द अफेयर ऑफ द कंपनी विद शेयर होल्डर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर मीटिंग जब भी कोई मीटिंग शेयर होल्डर के जो लोग होते हैं उनको इकट्ठा किया जाता है और उनके साथ मीटिंग की जाती है उनके साथ डिस्कशन शेयर होल्डर शेयर्स के बारे में की जाती है तो उसको शेयर होल्डर मीटिंग कहते हैं दीज मीटिंग्स है फॉलोइंग थ्री काइंड्स तो इसकी तीन किस्म के होती हैं स्ट्रेटी मीटिंग एनुअल मीटिंग और एक्स्ट्रा ऑर्डन्यू मीटिंग इनको डिटेल से देखने से पहले ये मैं बात आपको बताता चलूँ कि ये इंपॉर्टेंट लेक्चर है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि इसमें से एम से क्यूज़ और शार्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं इसको बहुत अच्छे अंदाज़ में देखिएगा आपका क्विज़ नंबर वन में से भी काफ़ी सारे क्विज़ इसमें से आएंगे और मीटर में भी ये क्विज काफ़ी सारे आएंगे तो सबसे पहले किस्म है स्ट्री मीटिंग अकॉर्डिंग टू सेक्शन वन तो सेक्शन वन फाइव सेवन के तहत क्या होना चाहिए द मीटिंग इज़ हेल्ड ओनली वंस इन लाइफ ऑफ द पब्लिक कंपनी पब्लिक कंपनी की ज़िंदगी के अंदर ये एक दफ़ा लाजमी हेल्ड होनी चाहिए तो इसका मकसद क्या है इट्स मेन ऑब्जेक्ट टू प्रोवाइड द शेयर होल्डर विद फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन अबाउट द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ द कंपनी फिर कंपनी के जो भी मामलात हैं उसकी एग्जैक्ट पोजीशन जो है वो तमाम शेयर होल्डर के पास पहले इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इस मकसद इसका इस मीटिंग का, इस का मकसद यही है कि आपके पास जो भी शेयर होल्डर हैं जो भी इसके मेम्बर्स हैं उनके पास कंपनी की जो मेन पोजिशन है करंट पोजिशन है उसके बारे में उसके पास मालूम होनी चाहिए इससे नेक्स्ट है बाई होम एंड वेन हेल्ड इसको कौन मुनद कर सकता है और कब किया जा सकता है तो सेक्शन 77 सेवन ऑफ द कंपनीज ऑर्डीनेंस नाइनटीन कंपनीज फोर के आर्डिनंस जो हो नाइनटीन फोर है उसके सेक्शन सेवेंटी सेवन के तहत मेक इट फार ये बहुत ज़रूरी है क्या ज़रूरी है एवरी पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाई शेयर तो जो पब्लिक कंपनी है वो अपने शेयर के साथ उसको हेल्ड कर सकती है फिर उसके बाद है एवरी पब्लिक कंपनी लिमिटेड बाय द गारंटी जो भी उनकी गारंटी होती है वो हर पब्लिक कंपनी उसके साथ इस चीज़ को हेल्ड किया जा सकता है और तीसरा पॉइंट है एवरी प्राइवेट कंपनी कन्वर्टेड इनटू पब्लिक कंपनी जब भी कोई प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी का पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर कन्वर्ट होती है तो उस वक्त इस चीज़ को हेल्ड किया जा सकता है अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ऑब्जेक्ट इट्स मेन ऑब्जेक्ट इज़ तो इसके मकासद क्या हैं तो इसके मकासद है टू प्रोवाइड एग्जैक्ट एंड लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द अफेयर्स ऑफ द कंपनी जो भी कंपनी के मामला हैं जो भी कंपनी के अंदर वर्क हो रहा है जो भी उसके शेयर होल्डर की पोजीशन है उस चीज़ को बताया जाए और उसकी जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसके बारे में आगाह किया जाए टू विन द कॉन्फिडेंस ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ द कंपनी जो कंपनी के शेयर होल्डर मेबर हैं उनका आपस में एतमाद को जीतना ताकि वो इस कंपनी के साथ जुड़े रहें और अपना कारोबार करते रहें और तीसरा पॉइंट है टू डिस्कस द स्टेट रिपोर्ट और उसके मुतलका जो भी सूरत की रिपोर्ट है उसको डिस्कस किया जाएगा और आपस में बातें शेयर की जाएंगी इसके बाद हमारा अगला पॉइंट है नोटिस यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है एम के हवाले से क्योंकि इसमें से क्यों एक लग जाता है कि वो कितने दिन पहले आपने मीटिंग बुलानी होती है तो एटलीस्ट ट्वेंटी वन डेज बिफोर द मीटिंग मीटिंग्स बुलाने से पहले आपने इक्कीस दिन पहले नोटिस भेजना होता है नोटिस मस्ट बी सेंट टू ईच शेयर होल्डर अलॉन्ग विद द स्टेटरी रिपोर्ट बाई द सेक्रेटरी उसके सेक्रेटरी को या उनको शेयर होल्डर्स को जो स्टेटरी रिपोर्ट के साथ 21 दिन पहले आगाह करना ज़रूरी होता है नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू मीटिंग इज कॉल्ड मीटिंग कौन बुलाता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडर सेक्शन वन फाइव सेवन टू ऑफ कंपनीज ऑर्डिनेंस द डायरेक्टर शुड सेंड अ नोटिस ऑफ द स्टेटरी मीटिंग स्टेटरी मीटिंग की जो नोट्स भेजा जाता है नोट्स भेजा जाता है वो डायरेक्टर भेजते हैं तो इसका मतलब जो शेयर होल्डर की स्टेटरी आपने मीटिंग बुलानी होती है तो उसको इनकाद करने वाला उसको बुलाने वाला डायरेक्टर होता है तो ऐट लीस्ट ट्वेंटी वन डे बिफोर द मीटिंग मीटिंग बनाने से इक्कीस दिन पहले आपने क्या करना होता है नोटिस देना होता है तो उसमें तीन डायरेक्टर होते हैं ऐट लीस्ट कम कम और उसमें से एक चीफ एग्जिव होता है तो उनके साइन होना ज़रूरी होते हैं तो ये था आपके पास पॉइंट नंबर फोर हाउ टू मीटिंग इज़ हेल्ड तो इसमें आपने यही जरूरी याद करना है कि आपके पास जो मीटिंग है वो नोटिस कितने दिन पहले भेजा जाता है वो इक्कीस दिन पहले भेजा जाता है तो कौन भेजता है डायरेक्टर भेजता है टोटल कितने डायरेक्टर होते हैं तीन होते हैं और उन तीनों के उस नोटिस पे साइन होना ज़रूरी है तो उसमें एक चीफ एग्जेक्टिव होता है नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है प्रिविलेज ऑफ द मेंबर्स जो जब भी तमाम मेंबर्स को शेयर होल्डर को बुलाया जाएगा तो मीटिंग के अंदर तो फिर उनका राइट है उनका हक है कि वो किसी भी कंपनी के कंपनी के किसी भी मामले पर डिस्कस कर सकते हैं और अपनी मालूम ले सकते हैं उसके बाद है स्टेटरी रिपोर्ट द रिपोर्ट रिपेयर द सेक्रेटरी सर्टिफाइड एट लीस्ट थ्री डायरेक्टर वन ऑफ बीइंग द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी इज कॉल्ड स्टेटरी रिपोर्ट फिर उसके बाद सेक्रेटरी जो होता है वो उसकी रिपोर्ट को तैयार करता है और तीनों जो डायरेक्टर होते हैं उसके साइन होते हैं और उनमें से जो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है कंपनी का तो इसको स्टेटरी रिपोर्ट कहा जाता है उसके बाद है एनुअल जनरल मीटिंग तो एनुअल जनरल मीटिंग अकॉर्डिंग टू सेक्शन वन फाइव एट द कंपनी ऑर्डिनेंस एवरी कंपनी मस्ट होल्ड आनूअल जनरल मीटिंग ऑफ इट्स शेयर होल्डर वन ईयर तो साल में एक दफ़ा कंपनी के ऑर्डिनेंस के मुताबिक वन फाइव नाइन के मुताबिक उन्होंने साल में एक दफ़ा लाजमी बुलानी होती है मीटिंग उसको एनुल जनरल मीटिंग कहते हैं द मीटिंग प्रोवाइड्स एंड अपॉर्चुनिटी टू एवलीट एंड मैर द एफिशिएंसी ऑफ द डायरेक्टर एंड अदर ऑफिसर इज़ कैरिंग ऑन द आउट ऑफ द कंपनी फिर जो भी कंपनी के मामला को ऑफिसर चला रहे होते हैं और डायरेक्टर चला रहे होते हैं उनकी अपॉर्चुनिटी को एविलियट किया जाता है उसका मुआजन किया जाता है उसको देखा जाता है उसको परखा जाता है क्या ये काम ठीक कर रहे हैं या नहीं कर रहे अगर उनको अतमाद होगा तो वो उसको कंपनी को आगे चलने देंगे इसमें पहला पॉइंट नोटिस है तो यहाँ पे भी 21 दिन पहले आपने मीटिंग हेल्ड करने के नोटिस भेजना होता है प्लेस ऑफ मीटिंग कौन सी होती है जहाँ पे आपके कंपनी का जो रजिस्ट्र रजिस्ट्रार ऑफिस होता है तो वहाँ पे कंपनी जो है वो ये मीटिंग बुलाई जाती है तीसरा है रोल ऑफ शेयर होल्डर शेयर होल्डर का रोल uh, क्या होता है तो वो क्रिटिसाइज़ करते हैं उन पॉलिसीज़ को जो डायरेक्टर बनाते हैं और दूसरे ऑफिसर बनाते हैं जो उनकी इंप्रूवमेंट के लिए बनाई जाती है तो उसमें से अगर वो क्रिटिसाइज करना चाहें तो वो क्रिटिसाइज भी कर सकते हैं ओकेजन okay, द फर्स्ट मीटिंग इस नेचर ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अठारह महीने जब से कंपनी बनी है तो उससे अठारह महीने के अंदर अंदर एक दफ़ा उसको बुलाना ज़रूरी है तो उसके बाद द गैप बिटवीन टू एनअल जनरल मीटिंग मस्ट नाट बी फिफ्टीन मंथ तो इसका मतलब ये है कि जो आपने मीटिंग बुलाई है और उससे बाद जो अगली मीटिंग आपने बुलानी है उनके दरमियान पंद्रह माह से ज़्यादा स्पेस uh, नहीं होनी चाहिए गैप नहीं होना चाहिए वकफा नहीं होना चाहिए तो दो मीटिंग के दरमियान आप ज़्यादा से ज़्यादा पंद्रह माह का वक़ा कर सकते हैं इससे ज़्यादा नहीं हो सकता नेक्स्ट पॉइंट है कि उसके ऑब्जेक्ट क्या है द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ द मीटिंग इज चेक टू बिजनेस इज बीइंग डन अकॉर्डिंग टू द रूल्स ले डाउन बाय आर्टिकल ऑफ़ द एसोसिएशन जो कंपनी के एसोसिएशन के बनाने के आर्टिकल्स हैं या रूल्स हैं तो क्या उसके मुताबिक वो वर्क कर रही है या नहीं कर रही डायरेक्टर सबमिट देयर रिपोर्ट अकॉर्डिंग टू अफेयर ऑफ़ द कंपनी ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग जो भी साल चल रहा होता है उसके दौरान जो डायरेक्टर होते हैं वो अपनी रिपोर्ट को सबमिट करते हैं तो उसके बाद है वाइंडिंग अप तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन थ्री जीरो फाइव बी अ कंपनी में बी वाइंड अप बाई कोर्ट तो वो एक असूल कवानीन के मुताबिक क्या होती है फिर उसको वाइंड अप किया जा सकता है तो नेक्स्ट आपके पास है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग ऑल द जनरल मीटिंग्स अदर दैन एनुअल जनरल मीटिंग एंड स्टेटरी मीटिंग शेल बी कॉल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग जनरल मीटिंग और स्टेटरी मीटिंग के अलावा जो भी मीटिंग कंपनी के अंदर बुलाई जाती है उसको एक्स्ट्रा ऑर्डनी जनरल मीटिंग कहते हैं देर इज़ नो लिमिट फॉर इट इसके लिए कोई लिमिट नहीं होती मकसद इसमें जैसे पहले बात की गई इक्कीस दिन पहले नोटिस देना है और आपने वो एनुलल मीटिंग के लिए कहा गया कि पहली जो अठारह माह है उसके अंदर लाजमी एक आ, मीटिंग आपने बुलानी है और उसके जो गैप है वो फिफ्टीन मंथ से ज़्यादा नहीं होती तो इसमें ये नहीं होता इसमें यह होता है कि वक़्त के नौीय के मुताबिक जो भी वहाँ पर काम करना होता है उसके मुताबिक कभी भी और किसी भी वक़्त कोई भी मीटिंग रखी जा सकती है तो उसको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जनरल मीटिंग कहते हैं इसके बाद हमारे पास डायरेक्टर मीटिंग तो डायरेक्टर मीटिंग किसको कहते हैं द मेंबर ऑफ द कंपनी एलेक्ट देर रिप्रेजेंटेटिव टू रन द बिजनेस एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी जो भी बिजनेस और मैनेजमेंट की रन करने के लिए चलाने के लिए जो हम मेंबर को सेलेक्ट करते हैं तो वो उसको डायरेक्टर कहा जाता है तो जब वो मीटिंग बुलाते हैं तो उनको डायरेक्टर मीटिंग कहा जाता है ऑल द बिजनेस अफेयर अफेयर्स आर सेटल्ड विद म्यूचुअल कंसुलेशन ऑफ द आल डायरेक्टर तो वो तमाम डायरेक्टर क्या करते हैं फिर आपस में कंसल्ट करते हैं एक दूसरे के साथ मशावत करते हैं कि तमाम बिजनेस के अफेयर को कैसे चलाया जाए सो द मीटिंग कार्ड इज़ द डायरेक्टर इज़ डिस्कस द पॉलिसी पॉलिस डे डिसन इज कार्ड डायरेक्टर मीट तो उसकी मीटिंग के अंदर फिर उनकी पॉलिसी को देखा जाता है कि किस पॉलिसी के मुताबिक हमने कंपनी को चलाना होता है द मीटिंग मस्ट बी हेल्ड एट लीस्ट वंस इन थ्री मंथ तो हर तीन महीने के बाद एक दफ़ा ये मीटिंग बुलाना बहुत ज़रूरी होती है एंड लीस्ट फोर टाइम इन अ ईयर और साल में चार मरतबा तो डायरेक्टर मीटिंग के लिए जरूरी है ये बात लाजमी याद कर लीजिए एम सी क्यों में आ सकता है कि हर थ्री मंथ के बाद डायरेक्टर मीटिंग बुलाई जाती है और साल में ये चार दफ़ा इसको आप हेल्ड कर सकते हैं नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है मोड ऑफ द वाइंडिंग अप के वाइंडिंग अप करने के मोड क्या तरीके का रहे हैं तो पहला है कंपल्सरी वाइंडिंग अप बाई कोर्ट तो कोर्ट क्या है जब भी आप कोई भी प्रोजेक्ट जब इकट्ठा लेते हैं तो जब उसका टाइम लिमिट खत्म हो जाता है तो उसके बाद कोर्ट के जरिए आप क्या कर सकते हैं वाइंड अप कर सकते हैं वो जरूरी है वॉल्ट्री वाइंडिंग अप तो उसमें अगर आप सारे जो मेंबर्स हैं वो रजामंद हैं कि हमें ये प्रोजेक्ट ख़त्म कर देना चाहिए इसके बाद हम आप इकट्ठे काम नहीं कर सकते तो वो भी वाइंड अप हो सकता है तो उसके बाद है वॉल्टी वाइंडिंग अप अंडर द सुपरविज़न ऑफ द कोर्ट कोर्ट की निगरानी के अंदर आप अपनी रजामंदी के साथ भी उसको ख़त्म किया जा सकता है इसमें यह भी हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि हम अभी काम करना चाहते हैं और कुछ कहें नहीं करना चाहते तो फिर कोर्ट के अंदर कोर्ट उसको कहेगी कि आप वलेंट्री भी हैं और नहीं ये क्योंकि आपका जो टाइम पीरियड था लिमिट थी जो को सेक्शन जो भी आर्टिकल के रूल्स के मुताबिक था तो वो अब आप इसको काम नहीं कर सकते तो ये भी मोड्स ऑफ वाइंडिंग अप के अंदर आ जाएगा तो आप उसको वाइंड अप कर देंगे तो ये था आपका आज का लेक्चर उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा अगर कोई भी टॉपिक की बात की समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं और पर्सनल मेरा नंबर भी दिया हुआ है तो आप व्हाट्सअप कर सकते हैं तो इंशाल्लाह उसका ज़रूर जवाब दिया जाएगा मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखिएगा अल्लाह हाफिज़